बहुत बहुत यार, मतलब मैं तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का, जिन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा फिल्म का देखा है, और उनके प्यार का, उनकी दुआओं का। एंड सब लोग फिल्म देखने आए, मज़ा आएगा। मूवी रिलीज है, थोड़ी सी मतलब खुशी वाली घबराहट है कि रिलीज ही हो रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बहुत अच्छे और बहुत दिल से बनाई गई फिल्म है, और कोशिश है कि दिलों तक पहुंचे, और बस यही कोशिश है। प्रोमो भी अगर लोगों को पसंद आया तो फिल्म भी पसंद आएगी, और हमें अच्छा लगेगा अगर प्रोमो के बाद, पूरी फिल्म देखने के बाद भी लोग हमें पर्सनली, हम तो फेसबुक वगैरह हर जगह मिल जाते हैं, हमें बताते रहे। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, फिल्म को बहुत मेहनत से, छोटी फिल्में ज़्यादा मुश्किल होती हैं बनानी और रिलीज़ करनी, और बनानी फिर भी आसान है छोटी, रिलीज़ करनी बहुत मुश्किल है, और ऑडियंस की जिम्मेदारी बनती है कि वो छोटी फिल्मों को जाएँ, देखें, उनको ब्लेस करें और इनक्रेज करें कि और भी फिल्म मेकर्स इस किस्म की हाई कॉन्सेप्ट फिल्मों को बनाने की हिम्मत कर सकें। इसलिए ऑडियंस की जिम्मेदारी उतनी है जितनी मेकर्स की है। गुलजार साहब का नाम जुड़ता है तो फिल्म बहुत बड़ी हो जाती है, आप सही कह रहे हैं, बहुत क्रेडिबल हो जाती है फिल्म, समझदार हो जाती है, और मतलब बहुत कम लेखकों को, कलम के कलाकारों को वो दर्जा मिला है कि जनता उनके नाम से फिल्म देखने जा सकती है। उनमें से गुलजार साहब शायद पहला नाम है, और गुलजार साहब का आशीर्वाद है इस फिल्म को। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी छोटी फिल्म आती है उसको ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि वो हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स होती हैं और उनको आपके प्यार की और आशीर्वाद की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। प्रोमो सिर्फ देखची के दो चार चावल थे, आप पूरी फिल्म देखिए तो आपको पता चले कि बिरयानी कैसी है, है ना, दो चार चालों से तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन इसके फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके दिलों में कितनी सारी तहें हैं, कितने सारे सतहें हैं, जिन्हें आप देख के गुस्सा भी होते हैं, लड़ भी लेते हैं, लेकिन आंखें भर आती हैं गुस्सा, उस गुस्से में भी आपके आंखों से आंसू निकलते हैं। ये उस मोहब्बत का किस्सा है जो हमारे दिलों में कब से पल रहा है, पनप रहा है, और हम उसका इजहार भी करते हैं, तो इजहार करते हैं, रूठ के करते हैं, नाराज़ होके करते हैं, लेकिन अंदर से रोते रहते हैं, और ये कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, ये उस सरहद की कहानियाँ हैं।